अरंगे जैनब चाइनी भी क्या? नहीं सर, अभी नहीं पूछा है, अभी तो आपके लिए। चाय पियो यार। लादा सर आप बनानी पड़ेगी अभी। जब फायजा आपके पास बुक है तो फायजा आपको आवाज आ रही है? किस बच्चे के पास बुक है? सर मेरे पास अच्छा ऐसा करें, आप मेरी बुक ना थोड़ी सी ब्लर्ड है, मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, तो पेज नंबर 268, 269, ठीक है, और जी 270, इन तीनों की जरा आप पिक सेंड कर दें अभी इधर बच्चों को सबको, जी सर मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ठीक है। पेज नंबर 268, 269 और 270 की, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, अगर हम वैसे उसमें जाएंगे ना राइटिंग बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें यह है कि बच्चे थोड़े गो थ्रू भी कर लेंगे। चारों पेजेस की कर देना, 268, 269, 270, 271। जी सर मैं कर देती हूँ। थैंक यू। अच्छा देखिए, पेज नंबर 268 पे अगला टॉपिक नेटवर्क मीडिया है, ठीक है। नेटवर्क मीडिया क्या चीज है कि हम नेटवर्क के नोड्स को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेटवर्क नोड्स को या डिफरेंट कंप्यूटर्स या जो भी हम कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहे होते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके की केबलिंग यूज करते हैं, किस तरीके की हम डिवाइसेस यूज करते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो नेटवर्क मीडिया में आ जाती है। अब देखिए, दो तरह की हम कहते हैं कि अगर मेन बिल्कुल बात करें कि मीडिया की मेन दो तरीके की कौन सी हो सकती है, तो एक तो केबलिंग होती है, ठीक है, वायर बेस्ड, जिसमें हम वायर यूज करते हैं, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ज्यादातर जो मूव करती है वो वायरलेस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज होती है, जो मीडिया की बात हम कर रहे हैं इसके अंदर एक वायर बेस्ड होगी और एक दूसरी जो होगी वो वायरलेस होगी, ठीक है। अब ये बुक के पेजेस मैंने इस वजह से सेंड करवाए क्योंकि टेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उसमें थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे, थोड़ा रीड कर लेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर, अच्छा और समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये फायदा है कि आप उसमें से गो थ्रू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ भी आ जाएगा ज्यादा मजीद, ठीक है। तो दो तरह की मीडिया हमने बात की, एक तो वायर बेस्ड और एक वायरलेस, ठीक है। वायर बेस्ड मीडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हम ले सकते हैं। सबसे पहले होती है ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर होती है, ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। फिर दूसरी होती है कोएक्सियल केबल, ठीक है, COAXIAL, कोएक्सियल केबल। और तीसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ठीक है। तीनों की फंक्शनिंग
और तीनों की जो जाहिर सी बात है ओवर अ टाइम पीरियड डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है. ट्विस्टेड पेयर नॉर्मली कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर जो आपकी शुरू शुरू में हम कहते थे टेलीफोन लाइंस के अंदर वायरिंग यूज हो रही है वो ट्विस्टेड पेयर होती थी. ठीक है, उसको ट्विस्टेड पेयर क्यों कहते थे? कि चार डिफरेंट पेयर्स होते थे उसके अंदर वायर्स के. ठीक है, और वो बेसिकली क्या होता था, एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट होते थे प्लास्टिक के अंदर. प्लास्टिक में मतलब इंसुलेटेड होते थे और वो ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होते थे. जैसे कभी आप देखें फोन की केबल को आप निकाल कर देखेंगे या काट के देखेंगे तो वो आपको ट्विस्टेड घूमती नजर आएगी कि दो वायर्स उन्होंने आपस में ट्विस्ट की हुई है. ठीक है, तो वो नॉर्मल वायरिंग जो हम टेलीफोन में यूज करते थे वो ट्विस्टेड पेयर होती थी. अब ये होता था कि बहुत सारी वायर्स जो है वो प्लास्टिक कोटिंग उनके अंदर बेसिक बस एक नॉर्मल लेवल की होती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था. तो होता क्या था कि बाहर से जो इंटरफेरेंस होती थी ना उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती थी उसके अंदर. अक्सर जो डिस्टर्बेंस होती थी इंटरफेरेंस होती थी वो इसी वजह से होती थी. ठीक है, तो वो एक कैटेगरी थी जो ट्विस्टेड पेयर केबल की हम बात कर रहे हैं उसकी एक कैटेगरी जो है वो अनशील्डेड होती है. अनशील्डेड का मतलब है कि हमने उसके अंदर कोई अलग से ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी हुई कि यार इंटरफेरेंस किसी तरीके से रुक सके या उसकी प्रोटेक्शन मजीद हो सके. ठीक है, उसी के बाद जो है नया कॉन्सेप्ट जब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो उन्होंने एक मेटल केसिंग के अंदर या मेटल शीट के अंदर उन्होंने दे दिया कि भाई इसी ट्विस्टेड पेयर को अब हम एक मेटल शीट के अंदर इनक्लोज करेंगे. तो वो जो ट्विस्टेड पेयर वायर पहले अनशील्डेड थी वो इस मेटल शीट की वजह से शील्डेड हो गई. ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर हमारी पहली कैटेगरी है. ठीक है, ट्विस्टेड पेयर मैंने आपको बताया अपने डिजाइन की वजह से ट्विस्टेड पेयर कहलाती है कि इंडिविजुअल जो वायर्स होती है इंडिविजुअल जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, और उसके अंदर एक प्लास्टिक के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अलावा इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी. ठीक है, तो इस वजह से हम कहते थे कि ये अनशील्डेड है. बाद में जब वो मेटल शीथ के अंदर आ गई तो हमने बोल दिया कि ये ट्विस्टेड पेयर जो है वो शील्डेड है. ठीक है, इंटरफेरेंस होती थी कि पहले क्योंकि जाहिर सी बात है शील्डेड नहीं होती थी तो बाहर से कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस या कुछ भी हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी. पहले ये काफी लो बैंडविड्थ होती थी, मतलब इसके अंदर इतनी अच्छी स्पीड या इतनी अच्छी ट्रांसमिशन नहीं होती थी, पर ओवर अ टाइम पीरियड काफी इम्प्रूवमेंट आती गई है. ठीक है, स्पीड भी अब काफी अच्छी इसके ऊपर मिल जाती. दूसरी जो वायर बेस्ड मीडिया के अंदर है सेकेंड ट्विस्टेड पेयर के बाद वो कहलाती है कोएक्सियल, COAXIAL कोएक्सियल. जैसे हमारे केबल टेलीविजन या केबल टीवी हम यूज करते हैं उसके अंदर जो है वो कोएक्सियल केबल होती है. इसके अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, दो डिफरेंट कंडक्टर्स होते हैं. एक वायर जो होती है वो केबल के बिल्कुल बीच में होगी. ठीक है, सेंटर से पास हो रही होगी और एक वायरिंग का पूरा मैश होगा जो उस पहली वायर के गिर्द होगा और दोनों के बीच में एक इंसुलेटर होगा. तो ये क्या वायर बेस्ड मीडिया के अंदर हो क्या रहे, मतलब वायरिंग तो हम यूज कर रहे हैं पर उसका जो ओवरऑल डिजाइन है जो स्ट्रक्चर है वो ओवर अ टाइम पीरियड जो है वो चेंज होता गया है. ठीक है, जैसे पहले हमने बात की ट्विस्टेड पेयर होती थी वहां पे जब इश्यूज आने लगे या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो ऐसा ऐसा हम कोएक्सियल की तरफ मूव करने लगे. ठीक है, कोएक्सियल ये कि हमें ज्यादा सूटेड जो है वो केबल टीवी वगैरह की ट्रांसमिशन के अंदर इस तरह की चीजों के अंदर थी. इसके अंदर बस क्या था कि जो टेक्नोलॉजी है जो इसका सेटअप है जो इसका बनाना है वो डिफरेंट है दूसरी मीडिया टाइप, तो इसकी वर्किंग इस वजह से थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है, सेंटर ऑफ द केबल से मैंने आपको बताया एक वायर पास होती है और उस वायर के गिर्द दूसरी वायर्स का मैश होता है. मैश का मतलब बहुत सारी वायर्स उसके गिर्द मौजूद होती हैं. ठीक है, बीच में इनके इंसुलेटर होता है. तो ये कि ट्विस्टेड वायरिंग जो वो थी केबल थी या ट्विस्टेड पेयर वायरिंग थी उसके मुकाबले में कोएक्सियल केबल ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है, ज्यादा अच्छी डेटा ट्रांसफर वगैरह में ज्यादा अच्छा काम करती है. बस ये कि उसके मुकाबले में थोड़ी सी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो ये इसकी सेकेंड टाइप है वायर बेस्ड मीडिया की. और थर्ड टाइप जो है वो फाइबर ऑप्टिक है, जो आजकल हम सुन देंगे भाई फाइबर ऑप्टिक पे तमाम चीजें जा रही है, तो वो फाइबर ऑप्टिक केबलिंग होती है. इसके अंदर बेसिकली होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा. तो बेसिकली इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है क्योंकि ये ग्लास की स्ट्रैंड्स होती है, समझ लें ग्लास से बनी होती है,
तो इसके अंदर बेसिकली लाइट के सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, जो मूवमेंट होती है बेसिकली वो लाइट के सिग्नल्स के थ्रू हो रही होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा होता है कि भाई ग्लास में जब मूव होगा तो आसानी से कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ग्लास के अंदर से होते हुए मूव कर जाते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर लाइट की बीम्स इन्वॉल्व है, तो ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो एकदम जो है हमारी डेटा ट्रांसफर की बिलियन बिट्स पे चली गई। समझ लें कि बिल्कुल अगर हम पहले मिलियन की बात करते थे या उससे कम डेटा ट्रांसफर स्पीड होती थी, तो अब जो है हम बोलते हैं कि भाई फाइबर ऑप्टिक की वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो वही डेटा ट्रांसफर जो है वो बिलियन बिट्स पे चला गया। ठीक है। और इसका फायदा ये होता है कि कॉपर वायरिंग जब हम पहले यूज कर रहे थे, जैसे हमने बात की ट्विस्टेड पेयर वगैरह में या कोएक्सियल में कॉपर वायरिंग वगैरह यूज करते थे, तो आउटसाइड इंटरफेरेंस की इशू बहुत होती थी, जो इसमें तकरीबन बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। एक और फायदा ये होता है कि क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके का सेटअप है फाइबर ऑप्टिक का, इस तरीके का बना हुआ है जिसके अंदर लाइट सिग्नल वगैरह इन्वॉल्व है, तो स्पीड वैसी फास्ट हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है। और एट अ टाइम फायदा क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारा डेटा एट अ टाइम भी इसमें से कैरी हो सकता है और कोई आउटसाइड डिस्टरबेंस उस तरीके से नहीं हो सकती। इसी वजह से जब आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं हो सकती तो ये ज्यादा सिक्योर मैकेनिज्म है। अगर हम वैसे केबलिंग के मुकाबले में देखें तो हम बोलेंगे कि जो फाइबर ऑप्टिक केबलिंग अब हम यूज कर रहे हैं या फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं वो उसके मुकाबले में ज्यादा सिक्योर है पहले के मुकाबले में। ठीक है। ये सारे हमारी वायर बेस्ड की बातें हैं कि हम वायर बेस्ड मीडिया यूज करते हैं। ठीक है। वायर बेस्ड के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो है वो वायरलेस का है, जो हमने देखा है ओवर अ टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ है वायरलेस नेटवर्क्स का। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा जो आपके मूव कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा ना, उसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। यस सर। जिसमें वेव्स वगैरह जो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से बेसिकली हम उनको डिसाइड करते हैं, तो रेडियो वेव्स वगैरह और ये जो बाकी वेव्स होती है, रेडियो वेव्स का कहा जाता है कि इनकी वेवलेंथ जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने का वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है। तो वायरलेस नेटवर्क्स में इस वजह से हम कहते हैं कि हम रेडियो सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सेल्यूलर नेटवर्क्स के अंदर आपके ओवरऑल वैन्स के अंदर जो आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पर आपको रेडियो सिग्नल नजर आते हैं। ठीक है। माइक्रोवेव सिग्नल्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स, डिफरेंट इस तरीके के सिग्नल जो वेवलेंथ के हिसाब से वेरी करते हैं, तो वो हम ज्यादातर वायरलेस मीडिया में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके पास जो है वो डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होती हैं अपने कंप्यूटर में या अलग से आप रखी होती है आपने, और उसके थ्रू सिग्नल जा रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है सैटेलाइट्स वगैरह मौजूद होती हैं आपके पास यूनिवर्स में, उनसे कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर हो रही होती है। ठीक है। आपके टावर्स लगे होते हैं, वहां से सिग्नल मूव करते हुए सैटेलाइट्स कनेक्टेड होती हैं पूरी दुनिया में। सैटेलाइट्स बेसिकली आपकी अर्थ की स्पीड जितना ही मूव कर रही होती है, जितना अर्थ मूव कर रही होती है उतनी स्पीड पे वो सैटेलाइट्स भी मूव कर रही होती हैं, जो सिग्नल्स एक्सचेंज कर रही होती है, तो उनके थ्रू जो है आसानी से अब जो है कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई है। तो वही बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नई मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, और पहले के मुकाबले में अब आपको आसानी से कम्युनिकेशन हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, एट अ टाइम आप देखें बिलियंस ऑफ मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं, एट अ टाइम बिलियंस ऑफ लोग कनेक्टेड होते हैं दुनिया में, कितने सिग्नल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लेकर वैसे बैठे रहें जैसे हम वायरलेस की तरफ ना जाते, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जगह पर सिग्नल्स का इशू, स्पीड का, ये तमाम चीज़ें आज भी मौजूद रहती। तो इन तमाम चीज़ों को हमने वायरलेस मीडिया से ही कवर किया है। ठीक है। ये मीडिया की बात हम कर रहे थे कि भाई हम किस तरीके से कनेक्टिविटी करते हैं वायरलेस मैकेनिज्म से या वायर्स यूज करते हुए। अब कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास वो पेजेस के जो है अगर शेयर हो गए होंगे उस पर आप देख सकते हैं, नहीं है तो मेरे समझाने के बाद उसमें से आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफा दोबारा तमाम चीजें। ठीक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो पेज नंबर 269 पे, जिसके पास बुक है पेज नंबर 269 पे, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है। नेटवर्क हार्डवेयर की बात करते हैं या उन डिवाइसेस की बात करते हैं
जो हम कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा नेटवर्क प्रॉपर तरीके से यूज हो सके या चल सके। ठीक है, इसमें अगर आप पेज नंबर 269 पर आएंगे, सबसे पहला जो इसने हार्डवेयर मेंशन किया है, सबसे पहली डिवाइस वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जिसको हम नेटवर्क एडेप्टर भी कहते हैं, नेटवर्क एडेप्टर कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जहां बाकी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड होती है, वहां ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कनेक्ट हो जाता है ताकि जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है कंप्यूटर से उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पहले हम बात करते थे कि भाई वायरिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं या फिजिकली जो है हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट कर रहे हैं वायरिंग के थ्रू। अब ओवर अ टाइम पीरियड जो है वो भी वायरलेस हो गया। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी जो है वो वायरलेस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई पोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, एक एंटेना बस आपको शो कर रहा होता है, एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है कि इंटरनल एंटेना जो है वो आपका एक्टिवेटेड है। तो उसमें हमें अलग से जो है वो पोर्ट के अंदर जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ना पोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ये भी एक एडवांसमेंट ही है कि अब हम वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर वगैरह इसका अलग से मौजूद होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल रहा होता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था डिवाइसेस जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जितने अपडेट हो गए कि उसके अंदर तमाम डिवाइसेस जो भी आपकी यूज हो रही होती है उनका सॉफ्टवेयर पहले से ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। वरना पहले हम क्या करते थे कि डिवाइसेस का सॉफ्टवेयर अलग से हमें खरीदना पड़ता था। ठीक है, उसके साथ आती थी CD या जो भी, फिर आप उसको इंस्टॉल करते थे डिवाइस को, तब वो चलती थी। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफी हद तक स्ट्रांग हो गए हैं और जो भी चीज मौजूद नहीं होती वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए भी होता है तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया जो नेटवर्क स्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, डेटा को फ्लो करने के बिल्कुल बेसिक लेवल का समझ ले कार्ड होता है, इसको हम कहते हैं कि वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। उसके बाद पेज नंबर 270 पर आप आ जाएं, तो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम लैंस बनाते हैं या आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए भी मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज होती है। ठीक है, उसके लिए भी मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज हो रही होती है। उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास हब है, HUB। पहली डिवाइस हमारे पास नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस में पेज नंबर 270 पर वो हब है। ठीक है, हब हमने अभी जैसे बात की, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके अंदर आके कनेक्शन आपके तमाम कंप्यूटर्स के लग जाते हैं और वहीं से फिर वो ब्रॉडकास्ट करता है उनको। ठीक है, तमाम उसके अंदर नोड्स जितने भी होते हैं वो आके आपके हब में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वहां से वो जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है उनको सिग्नल्स को आगे। ठीक है, पर ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अब ये भी ऑब्सोलीट होती जा रही है और इसको दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजीज रिप्लेस कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जितने भी आपके राउटर्स वगैरह यूज होते हैं उनके अंदर पहले से बिल्ट इन हब्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो आपको अलग से हब रखने की आपको इतनी जरूरत भी नहीं होती, उसी के अंदर तमाम चीजें मैनेज हो जाती। सेकेंड टाइप इसके अंदर जो है डिवाइसेस की हब के बाद वो ब्रिज है, BRIDGE, जैसे ब्रिज होता है ना वैसे ब्रिज है। ठीक है, अगर हमें दो लैंस को आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है, ब्रिज भी आहिस्ता आहिस्ता, ये बस हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास
मौजूद है, वरना ये ब्रिज भी अब जो है वो ब्रिज वाली टेक्नोलॉजी भी अब समझ लें वो भी अकोमोडेट हो चुकी है राउटर्स वगैरह के अंदर और इसके अंदर। ठीक है, ब्रिज क्या करता था, दो लेंस को आपस में कनेक्ट करता था या एक ही लेन के दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देता था। ठीक है, ब्रिज के पास जब भी इंफॉर्मेशन आती थी पैकेट हेडर के अंदर तो वो उसको देखता था और जिस जगह पर उस डेटा को फॉरवर्ड करना होता था जिस जगह पर उस डेटा को फॉरवर्ड करना होता था उस जगह पर डेटा को वो फॉरवर्ड कर देता था। ठीक है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है तो इतना ज्यादा लोग ब्रिजेस को यूज भी नहीं करते। थर्ड आप देखें, आपके पास स्विच है, थर्ड जो नेटवर्क लिंकिंग डिवाइस है वो स्विच कहलाती है। ठीक है, स्विच बेसिकली क्या डिटरमिन कर रहा होता है कि कौन सी मशीन जो है वो कनेक्टेड है उसके साथ। ठीक है, पीसी, प्रिंटर या जो आईपी एड्रेस उसके पास मौजूद है, तो बेसिकली स्विच क्या कर रहा होता है कि भाई कौन कौन सी मशीन कनेक्टेड है और जो आपका ट्रैफिक मूव कर रहा होता है उसको काफी हद तक ये कम कर देता है। ठीक है, बहुत सारे लैंस के दरमियान जो है वो कनेक्टिविटी भी इंश्योर कर सकता है, राउटर का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है स्विच का। तो ज्यादातर हम कहते हैं ना कि भाई एक अपलिंक हमने एस्टेब्लिश कर दिया, ज्यादातर हम ये वर्ड यूज करते हैं अपलिंक, UPLINK, अपलिंक। ठीक है, तो बहुत सारे लैंस के जब स्विचेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे लैंस जो डिफरेंट डिफरेंट जगह भी मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपस में एक लिंक एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसका फायदा ये होता है हम कहते हैं कि हमने एक अपलिंक बना दिया। तो बहुत सारे स्विचेस भी अब अपडेट हो गए, राउटर्स का काम जो है वो स्विचेस भी कभी कभार कर लेते हैं बीच में, अब स्विचेस के अंदर भी काफी डेवलपमेंट आ गई। ठीक है, तो जब लैन को हमने सेटअप करना होता है, लैन को कनेक्ट करना होता है और डिवाइसेस को आपस में लिंक करना होता है तो उस केस में स्विच सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। और लास्ट जो इसके अंदर आती है वो राउटर है। ठीक है, RoutER, राउटर। राउटर जैसे अपने नाम से हम कहते हैं ना कि रूट है, तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो रूटर कहते हैं, पर रूटर नहीं, इसको राउटर बढ़ते हैं। ठीक है, तो राउटर बेसिकली आपके जो पैकेट सारे होते हैं उनको राउट करता है सही डेस्टिनेशन पे। ठीक है, जब पैकेट उसके पास पहुंचते हैं राउटर के पास तो वो ये देखता है कि भाई ये पैकेट किस डेस्टिनेशन का है और जो बेस्ट रूट अवेलेबल होता है जिस पे उसको लगेगा कि बाकी पैकेट्स नहीं है या नेटवर्क डेटा या ब्रॉडकास्ट डेटा जितना भी मूव कर रहा है, जो भी डेटा मूव कर रहा है उसमें देखेगा बेस्ट रूट अवेलेबल कौन सा है, तो वहां से वो डेटा को या पैकेट को सेंड कर देता है। ठीक है, तो राउटर बेसिकली क्या होता है, दो लेंस के दरमियान कनेक्ट हो सकता है, वैन और लैन के दरमियान कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एड्रेस मौजूद है उसके अंदर पैकेट के अंदर तो वो उसको राउटर के थ्रू सेंड करके सही जगह पर हम उसको पहुंचा सकते हैं डेटा को। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो राउटर्स का ये फायदा होता है। बहुत सारे राउटर्स के अंदर जैसे हमने अभी बात की थी हब वाली टेक्नोलॉजी, स्विचेस वाली टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी जो है राउटर्स के अंदर ही अवेलेबल होती है पहले से। ठीक है, फिर कोई फाइल हमने शेयर करनी है, कुछ भी इस तरीके का डेटा शेयर करना है, वो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर राउटर्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी का एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है इनके अंदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट फायरवॉल्स पहले से एस्टेब्लिश होती है तो डेटा जो मूव कर रहा होता है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है जब हम राउटर्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें पेज नंबर 271 पर, आपको लास्ट एक डिवाइस बता रहा है जिसको गेटवे कहते हैं।
अच्छा पेज, जब पेजेस से आपको मिल जाएंगे ना, आप इनको गो थ्रू कीजिएगा. मैंने बताया था पेज नंबर 268, 269, 270, 271. तो 271 के अंदर जो है आपको डायग्राम भी गेटवे की वर्किंग का एक डिटेल डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, जो जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं तो वहां पर हम एक गेटवे एस्टेब्लिश कर देते हैं. जैसे नॉर्मली गेटवे क्या होता है, एक लिंक होता है, तो समझ ले इस केस में भी वो लिंक का काम कर रहा होता है. अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, उनको आपस में लिंक करेगा. ठीक है, ये गेटवे का काम होता है. ये डायग्राम अगर आपके स्पेस 271 पर है, इसको गो थ्रू कीजिएगा. तो डायग्राम में बहुत ही उसको सिंपलीफाई करके बता रहे हैं कि जब हमें किसी दूसरे टाइप ऑफ नेटवर्क पर भेजना होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क पर भेजना होता है, तो वहां पर गेटवे मौजूद होता है. ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, ज्यादातर इंटरनेट पे भी बहुत सारे आपको गेटवेज मिलेंगे. ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं, वहां भी गेटवे मौजूद होता है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स दुनिया में एस्टेब्लिश होते हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उनके अंदर जो पैकेट्स मूव हो रहे होते हैं, बेसिकली उनको सही जगह तक पहुंचाना होता है, तो राउटर्स उनको राउट करते हैं. ठीक है, और गेटवे जो है वो एंड पॉइंट्स पर मौजूद होते हैं. तो वो क्या करते हैं, अगर एक टाइप ऑफ नेटवर्क से या किसी एक किस्म के नेटवर्क से कोई डेटा आ रहा होता है पैकेट में, उसका हेडर रीड करके, ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रहा होता, मतलब हो सकता है दूसरे नेटवर्क की टाइप थोड़ी डिफरेंट हो और कनेक्टिविटी में इशू हो रहा हो, मतलब कि भाई वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है, अलग तरह का नेटवर्क है, यहाँ से जहाँ से डेटा जा रहा है ये अलग तरह का नेटवर्क है, तो वहां पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो गेटवे आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो हल कर देता है. अगर पहले से उसके अंदर हेडर मौजूद है और दूसरा नेटवर्क हो सकता है उस हेडर को ना पहचान पा रहा हो ना, या ना रीड कर पा रहा हो, तो गेटवे ये करेगा कि एक दूसरा हेडर उसके अंदर डाल देगा. और वो हेडर क्या होगा, वो हेडर ऐसा होगा जिसको दूसरा नेटवर्क आसानी से समझ सकता है. ठीक है, तो हर गेटवे जो एस्टेब्लिश होता है या हर गेटवे जो लिंक एस्टेब्लिश कर रहा होता है दो नेटवर्क्स के दरमियान, उसका अपना भी एक आईपी एड्रेस होता है. ठीक है, तो अब जो हम कहते हैं कि भाई गेटवे का आईपी एड्रेस होता है, क्या वो हर कंप्यूटर में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. अब ऑटोमेटिक, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने आपको कहा था अपडेट हो जाती है, तो गेटवे जो कनेक्टेड होता है उसका एड्रेस वगैरह भी तमाम चीजें जो है वो आसानी से आपके पास लोड हो जाती है. मैन्युअली सेट करने की उसको अब ज्यादातर जरूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है जो खास काम कर रहा होता है, वो DHCP होता है. अगर कभी आप नेटवर्क में जाकर तलाश करेंगे ना अपने कंप्यूटर के, कंप्यूटर ओपन कीजिएगा, उसकी डिटेल्स में जाइएगा लैन वगैरह की, तो वहां पर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा DHCP. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ज्यादातर वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेट कर देता है. ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती आपको. जितने भी एड्रेसेस वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं गेटवे का, बाकी राउटर्स वगैरह के, वो सब कुछ डिफाइन कर चुका होता है. ठीक है, वो जो प्रोटोकॉल होता है वो DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, अगर आप ये प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर देंगे, इसके बाद जो है वो आपको मैन्युअली जाने की जरूरत ही नहीं है, तमाम चीजें जो है वो खुद ही हो जाएंगी. ठीक है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, जितने भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करनी. ठीक है, तो बस यहाँ तक है ये हमारा चैप्टर, मेन जो टॉपिक्स है इसके अंदर. ये सारे आप गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, पेजेस आपको बुक के मिल जाएंगे. सर, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह आता है? जैसे ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी होती है जो आप नेटवर्क में यूज करते हैं लिंक करने के लिए. ठीक है, उसमें आपको बेसिक सी बस डेफिनेशन देनी होगी, दो दो तीन तीन लाइन की, कि वो नेटवर्क डिवाइस क्या काम कर रही होती है. या कभी कभार ये आ सकता है कि अलग से डिफाइन करने को आ सकता है कि भाई गेटवे को डिफाइन कर दें या लेट से राउटर को डिफाइन कर दें, इस तरीके से वायरलेस मीडिया को डिफाइन कर दें, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं.
और जहां तक टोपोलॉजीज की बात है तो वो आपका डिटेल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी सर, इससे पहले पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया है किसका नेटवर्क मतलब का? हाँ नेटवर्क का मतलब ये क्वेश्चन आने के लाइक चांसेस कितने परसेंट है? देखिए बेसिकली होता है ये जो केजू का पेपर होता है ना, ये सच्ची बात ये कि इसमें कोई डिफाइंड नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि हम सिलेबस की बहुत सारी चीजें स्किप कर जाते हैं इसी वजह से कि नहीं यार ये नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें से कोई ना कोई एक चीज निकल कर आ जाती है। अब जैसे हमने एग्जैक्ट एक एक डिवाइस को डिस्कस किया, एक एक डिवाइस की बात की, अब इसमें फायदा ये है कि आप सारी चीजों से अवेयर है, जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीजें हमने की हुई है, तो एटलीस्ट अगर आप रिकॉल भी करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लिक हो जाती है। कोई ऐसा डिफाइंड नहीं होता। और सर ये एक एक हेडिंग अलग अलग भी आ सकती है, लाइक डिफरेंट, लाइक आ जाएगी डिफाइंड डाउटर्स और डिफाइंड सर्चेस? हाँ आ सकता है ना, मैंने बताया ना शॉर्ट दो नंबर का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके सर थैंक यू। ठीक है तो फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। बस कल मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, ये जहन में रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में आपका इंशाल्लाह वर्किंग जो हमारे दो डेज होते हैं ट्यूसडे और वेंसडे, उसी में ट्यूसडे को ही बल्कि पेपर हम रखेंगे। सर आपसे बात तो हुई थी सैटरडे 20th की? नहीं नहीं वो हाँ वो सैटरडे की हुई थी, वो आपने ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त कन्वर्सेशन, तो मैं आपको बता नहीं सका था। कल मेरी बात हुई थी वहाँ पे असद से, तो सर मिसबा वगैरह भी थे, उन्होंने कहा था जो आपके डेज है क्लास के आप उसी पे लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। सर ये क्या सीन है सर? अब ये भाई मैंने तो ओके कर दिया था ना, मुझे खुद भी नहीं आइडिया था। मैंने जब उनको बताया कि मैं इस दिन लूंगा, उन्होंने कहा यार इस दिन आप नहीं ले सकते, जिस दिन क्लास है आप उस दिन लेंगे। फिर सर नेक्स्ट ट्यूसडे 23rd को आएगा, तो हम 23rd को लेंगे या 16 को? 16 वाला होगा जाहिर सी बात है। सर पे टॉपिक थोड़े ऐसे रखिएगा कि हम इजीली कवर कर ले, तो टाइम बहुत कम है। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ठीक है? सर ये बता दे कि इंटरनल एक्सटर्नल होंगे नहीं होंगे, ये बता दे। एक्सटर्नल होंगे ना, एक्सटर्नल की डेट मेरे ख्याल से इन्होंने दी है शायद अगस्त के एंड की, अगस्त के एंड की, अगस्त के मिड की, अगस्त के एंड की दी है मेरे ख्याल से। अभी तो असल में जैन सारे ही लोग कंफ्यूज्ड हैं यार, किसी को सही नहीं पता। सर अभी कोई कराची यूनिवर्सिटी अपना वो डिसाइड ही नहीं कर रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में इन्होंने मीटिंग की है, मेरे ख्याल से एक हफ्ता हुआ है या 4-5 दिन हुए, उसमें इन्होंने नई चीजें डिसाइड की हैं कि भाई ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनका अगस्त के मिड में एंड में लेंगे, और अपना सेमेस्टर हो सकता है वो सेप्टेम्बर के मिड में स्टार्ट करें सेकेंड सेमेस्टर, वो काफी शॉर्ट रखेंगे 2-3 महीने का, दिसंबर के मिड में उसके पेपर हो जाएंगे। सर सुनने में दो सेमेस्टर एक साथ ले सकता है कराची यूनिवर्सिटी? यार वो भी एक प्रपोजल था, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया। उस दिन ये खालिद इराकी साहब वगैरह जो हैं केयू के, मीटिंग वगैरह तो इन्होंने की थी, पर कोई अभी फाइनल लाए अमल इन्होंने तय नहीं किया, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ही तय नहीं किया, कोई क्या तय करेगा। सर अगर दो सेमेस्टर एक साथ होंगे तो जो पहले से एग्जाम्स देते आ रहे हैं वो तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, हम फ्रेशर्स कैसे करेंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है? नहीं वो एक प्रपोजल है, वो नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो ऐसी एक प्रपोजल आया था, वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सर एक प्रपोजल ये भी है कि प्रमोट कर देंगे बच्चों को। यार सेमेस्टर सिस्टम में तो तुकी नहीं बनती ना प्रमोट करने की, क्या GPA देंगे सबको, 4 दे देंगे? नहीं नहीं सबको 4 नहीं देंगे किसी, हाँ ये भी है फ्रेशर्स को कितनी देंगे, वो ज्यादती हो जाती है ना यार इस तरह तो गलत हो जाता है। फ्रेशर्स के अलावा भी भाई हो सकता है कोई बेचारा इम्प्रूव करना चाहे तो उसको पिछले सेमेस्टर की GPA पे नंबर दे देंगे। सर ये तो फर्स्ट ऐसे तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों का भी हुआ है, बेवकूफी की है ना इन्होंने, कोई अकलमंदी का काम थोड़ी किया है यार। तो अब करिए तो करिए सर, इन्होंने क्या कर सकते हैं? अब मुझे ये बताओ ना, अब आदम जी में दाखला किसको मिलेगा, जिसके फर्स्ट ईयर में अच्छे हैं उसको आदम जी में, जो बेचारा इम्प्रूव करना चाहेगा वो रुल गया। सर ये तो सर ये भी तो है ना कि कहना इतने बच्चे पास हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? हाँ वही कह रहा हूँ, ये पागल है, मतलब ये कोई अच्छी उस तरह की नहीं है स्ट्रेटेजी यार, इन्होंने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए किया है। सही बात है सर, सही बात। अच्छा गवर्नमेंट लेवल पर देखते हैं ना, गवर्नमेंट लेवल पर चीजें डिफरेंट होती हैं, गवर्नमेंट के बच्चे की प्रोग्रेस डिफरेंट होती है, इतनी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे की प्रोग्रेस जब लेवल चेंज होता है तो प्रोग्रेस बड़ी फास्ट होती है भाई। सही बात है।
सिक्स का बच्चा जो सेवन में जाएगा, जाहिर सी बात है सेवन में 50 नई चीजें आ जाती हैं, बाकी सिक्स में उसने पढ़ी नहीं होंगी, सेवन में कहाँ से करेगा। भाई सर सुनने में तो 2021 तो स्कूल बंद रहेंगे। हाँ हाँ ये भी किसी ने शोशा छोड़ा था, मार्च 2021 में खुलेंगे, ये भी एक शोशा छोड़ा है किसी। अगर खुलेंगे तो क्या होगा सर, पेपर नहीं होंगे? अबे भाई अभी वही है, कुछ भी नहीं पता भाई। सही है ना यार, बस लंबी कर दी जैन तुमने तो, कसम खुदा की यार। बस जो चलो ठीक है, कल की क्लास में बताता हूँ इंशाल्लाह टॉपिक, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज। सही बोला, 2022 में बोला।